2023 में जितने भी अंतरिक्ष मिशन हुए, चाहे वो वैश्विक स्तर पे या भारतीय स्तर पे, और काफी हद तक सफलता भी पाई, खासतौर से भारत का चंद्रयान 3 2023 का सफल मिशन। और इसी पे अगर बात करें कि इसी को फोकस्ड अगर आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि 2024 के लिए, तो 2024 में कौन कौन से अंतरिक्ष मिशन होने वाले हैं, स्पेस मिशन 2024 में कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे, जो आपके इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, खासतौर से। तो इसी को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन है, चाहे वो नासा के या और भी कौन से देश के या भारत के, जिसकी प्लानिंग हुई है 2024 में होने की, तो ये आपके इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो बेसिकली देखो कि अगर थोड़ा सा 2023 के बारे में देखें तो नासा का एक मिशन था ओसिरिस रेक्स मिशन। ये क्या है कि सौरमंडल से जो क्षुद्र ग्रह होते हैं एस्ट्रॉइड, उनका सैंपल लाने में सफल हुआ था 2023 में, काफी चर्चा में रहा था। और इसके साथ ही भारत का इसरो के द्वारा संचालित चंद्रयान 3 मिशन जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल 2023 में इसके द्वारा। और अगर इसी के मद्देनजर 2024 के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बात किया जाए कि क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से मिशन 2024 में अंतरिक्ष के लिए होंगे, तो इससे संबंधित यह आर्टिकल है। और इस बार के प्रीलिम्स के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के में मिशन है और 2023 में अंतरिक्ष में भारत ने भी सफलता हासिल की, आदित्य, चंद्रयान, तो ये सब है, तो इससे मद्देनजर हो सकता है सवाल आने की संभावना हो। तो इसके तहत अगर हम बात करें तो नासा का एक कार्यक्रम है, आपको पता है आर्टेमिस। इस आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा भी 2024 में और भी मिशन करेगा, जैसे कि कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, इसके साथ नए मिशन चंद्रमा के लिए, आर्टेमिस मिशन नासा का चंद्रमा के लिए है, नए साल के लिए टारगेटेड है। तो क्या क्या चीजें होंगी और कौन कौन से मिशन होंगे जो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर बेसिकली हम इनकी बात करें तो 2024 के लिए देखो कौन कौन से मिशन है, तो इसपे एक मिशन है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर, ठीक है। यूरोपा क्लिपर जो है ये नासा का मिशन है, ठीक है, नासा का मिशन है, नासा लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर 2024 में। ये क्या है कि बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं या उपग्रहों में से एक यूरोपा का पता लगाएगा। अब यूरोपा क्या है, तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कि हर ग्रह का अपना एक चंद्रमा होता है, तो यूरोपा जो है आप उसको बृहस्पति का चंद्रमा मान सकते हैं या उसको उसका उपग्रह मान सकते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति का चंद्रमा या उपग्रह है जिसका जिसके बारे में पता लगाएगा नासा 2024 में एक मिशन जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। ये जो है पृथ्वी के चंद्रमा से साइज में थोड़ा छोटा है यूरोपा, और इसकी सतह जो है वो बर्फ से बनी हुई है। यूरोपा की जो पूरी सतह है वो क्या है, बर्फ से बनी हुई है। उसके बाद है कि अपने बर्फीले आवरण के अंदर यूरोपा में खारे जल का महासागर होने की संभावना है। पूरा इसका सतह बर्फ से ढका है और ऐसा लगता है कि बर्फ के आवरण के नीचे खारे जल मौजूद हो सकते हैं, यानी महासागर की उपलब्धता की बात यहां पर कह रही है, ठीक है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इसमें पृथ्वी पर सभी महासागरों की तुलना में दोगुना जल है यूरोपा पर, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इसीलिए ये इस खोज के लिए नासा यूरोपा क्लिपर मिशन भेजेगा। बस और इसमें क्या बात है यूरोपा क्लिपर में, कि यूरोपा क्लिपर के साथ वैज्ञानिक यह अन्वेषण करना चाहते हैं कि क्या यूरोपा का महासागर परग्रहीय जीवन के लिए उपयुक्त निवास स्थान हो सकता है। अब ये पता चला कि पृथ्वी से ज्यादा वहां पे महासागर में जल है, और तो वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जो वहां पे महासागर की अवस्थिति है, दूसरे ग्रह के लोग वहां पे क्या जीवन यापन कर सकते हैं, इसकी भी खोज यहां पे नासा के द्वारा की जाएगी इस मिशन के द्वारा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये मिशन, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और इस मिशन के तहत उपग्रह के हिम आवरण, इसकी सतह के भूविज्ञान और इसके उप सतही महासागर का अध्ययन यूरोपा मिशन में किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सतह पे बर्फ है, महासागर की संभावनाएं हैं, तो ये सब सारी चीजें। और यूरोपा के पास से लगभग 50 बार उड़ान भरने की योजना पर भी
इसके तहत विचार किया जाएगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान में रखिएगा सभी बातें, ठीक है। ये जो है मिशन यूरोपा पर मौजूद सक्रिय गीजर का भी पता लगाएगा। एक्चुअली क्या है कि गीजर पर पता है ना जलवाष्प, तो यूरोपा के सतह पे अक्सर ऐसा वैज्ञानिकों को प्रतीत हुआ है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसकी सतह से जलवाष्प के फव्वारे फूटते हैं, ठीक है ना। तो वो सक्रिय गीजर है, तो वो क्या है उसके बारे में भी इस मिशन के तहत पता लगाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला मिशन है 2024 में लॉन्च होगा, आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाएगा नासा के तरफ से। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के तहत आर्टेमिस 2 है। तो नासा का आर्टेमिस जो कार्यक्रम है इसका हिस्सा आर्टेमिस 2 वर्ष 1972 से चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए तैयार एक मानव युक्त चंद्र मिशन है। ये ध्यान में रखेंगे कि नासा अब जो आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत आर्टेमिस 2 करेगा वो क्या है, मानव युक्त, क्या है, मानव युक्त चंद्र मिशन है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर अन्य बिंदुओं पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा अब ये क्या है, किस तरीके से है। तो आर्टेमिस 2 मिशन यहां पे इंपॉर्टेंट है। वल्केनो भी हो सकता है, लेकिन अब ये है कि अब वो तो अन्वेषण के बाद, खोज के बाद वैज्ञानिकों को पता चलेगा। अभी जो अंदाजा लगाया गया है ये लगाया गया है, क्योंकि अभी जो दिख रहा है उसी के बारे में बातें होंगी ना, कि वो जलवाष्प क्यों वहां से नहीं निकल रहा है। तो जलवाष्प कोई एक्टिव है वो, तो हो सकता है वो वल्केनो हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो खोज के बाद फिर पता चलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्या क्या बातें यहां पे, कि अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना मानव युक्त मिशन है आर्टेमिस 2 नासा का, जो 2024 में होगा। और इस कार्यक्रम का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पे आर्टेमिस कार्यक्रम रखा गया है। ये सब आपने बेसिक में पढ़ा भी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट। 10 दिन की इस यात्रा की योजना है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर प्रणालियों की निरंतर उपस्थिति को प्रमाणित करना है कि क्या सिस्टम चंद्रमा पे है, किस तरीके से क्या चीजें। 10 दिन की यह यात्रा होगी। आर्टेमिस 1 की सफलता के अनुवर्ती इस महत्वपूर्ण मिशन, जिसमें पहली अश्वेत महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। आर्टेमिस 1 सफल हुआ तो आर्टेमिस 2 में क्या है कि पहली यहां पे अश्वेत महिला भी शामिल है इसमें। और 2022 के अंत में एक मानव रहित लूनर कैप्सूल का भी परीक्षण इसके लिए किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस 2 के लिए। आर्टेमिस 2 जो है वो विस्तारित अंतरिक्ष प्रवासन की तैयारियों और मंगल ग्रह पर आगामी मिशनों की आधारशिला के रूप में चंद्र अन्वेषण के लिए नासा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मतलब कि अभी चंद्रमा पे ये जो मिशन आर्टेमिस 2 है मानव युक्त ये हो जाएगा, तो इसके बाद फिर मंगल की तरफ इसी मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये नासा का एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है आर्टेमिस, और इसी के तहत आर्टेमिस 2, ठीक है, जो 2024 में होगा। अगला जो एक और कार्यक्रम है वो है वाइपर। वाइपर के द्वारा चंद्रमा पे जल की खोज की जाएगी। वाइपर में मिशन है इसके द्वारा चंद्रमा पे जल की खोज के लिए, ठीक है। तो ये जो वाइपर है एक्चुअली क्या है कि ये एक रोबोट है, ठीक है ना, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, इसका पूरा नाम है वाइपर। ये एक गोल्फ कार्ट के आकार का रोबोट है, ठीक है, और इसका उपयोग नासा के द्वारा किया जाएगा। ये भी नासा का मिशन है, जो ध्यान में रखेंगे। वाइपर एक रोबोट है जो कि 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए किया जाएगा ये मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वाइपर इस बार के लिए, ध्यान में रखिएगा। सभी के सभी आपके लिए यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, ठीक है। वाइपर रोबोट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जल का पता लगाने के लिए 2024 में। इस रोबोटिक मिशन को वाष्पशील पदार्थों की खोज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये ऐसे अणु हैं जो उपग्रह के तापमान पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह आसानी से वाष्पीकृत हो सकते हैं। इनका इसीलिए इनका खोज इनका मतलब इनको बनाया इसीलिए गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो पदार्थ है ये चंद्रमा पर भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं, कि भविष्य में मानव वहां पर जाके और भी खोज कर सकता है इन सब चीजों के लिए, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे अगर आप बात करें और आगे, तो जो वाइपर रोबोट है ये अपने 100 दिवसीय मिशन के दौरान 100 दिन के लिए वहां पे जाएगा,
और बैटरी, हीट पाइप, रेडियस, रेडिएटर्स पर ये डिपेंड रहेगा वहां पर 100 दिन, क्योंकि ये चंद्रमा पर दिन के दौरान धूप में वहां पे ज्यादातर गर्मी होती है चंद्रमा पे, वहां पे दिन में तकरीबन 107 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान हो जाता है, 224 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है ना। वहीं पे जब रात होता है चंद्रमा में तो वहां पे जो या जो चंद्रमा के ठंडे क्षेत्र हैं उन एरियाज में वहां पे टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो सब कुछ नेविगेट करेगा इसको, उस तरीके से यहां से भेजा जाएगा सारे संसाधनों के साथ युक्त करके, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो एक और मिशन है अगला, जो कि लूनर ट्रेल ब्लेजर और प्राइम वन में मिशन, ठीक है, ये भी यहां के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी नासा के द्वारा ही है कि नासा ने हाल ही में सिंप्लेक्स नामक छोटे कम लागत वाले ग्रही मिशनों की एक श्रेणी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि ग्रहों की खोज के लिए छोटे और नए मिशन है, और यह यहां पे इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके लिए बात करें तो यह राइड शेयर या सेकेंडरी पिलोट के रूप में अन्य मिशनों के साथ लॉन्च करके धन की बचत भी करेगा, क्योंकि ये जितने भी मिशन है ना, आपने देखा होगा कि बड़े मिशनों के साथ छोटे मिशन को, छोटे उपग्रह को ये सब भी यहां से भेज दिया जाता है। तो ये सब वे मिशन है कि जो बड़े मिशन के साथ छोटे छोटे उपग्रह भेजे जाते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो इसी तरीके से। तो इससे क्या होता है कि इनको अलग से लॉन्च करने में जो खर्च वगैरह लगेगा, जो धन वगैरह, तो उसकी बचत होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यह एक उदाहरण है इसका, लूनर ट्रेल ब्लेजर, जो कि वाइपर की तरह चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा, ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बात करें कि जब वाइपर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो दक्षिणी ध्रुव के निकट एक विशिष्ट क्षेत्र का विस्तार अध्ययन करेगा, ठीक है, और साथ ही लूनर ट्रेल ब्लेजर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और सतह के तापमान को मापेगा और विश्व भर में पानी के अणुओं के स्थानों का मानचित्रण करेगा। तो वाइपर के साथ इसको भेजा जाएगा कि इसको अलग से भेजने में कोई खर्च ना हो, बड़े मिशन के साथ छोटे सैटेलाइट वहां पे भेजे जाएंगे। तो वाइपर क्या करेगा कि चंद्रमा की सतह पे देखेगा, उसके दक्षिणी ध्रुव का विस्तार पूर्वक रिसर्च करेगा और साथ में वो ये जो लूनर ट्रेल ब्लेजर है, ये चंद्रमा की परिक्रमा, सतह का टेम्परेचर, विश्व भर में पानी के अणु स्थान चंद्रमा पे कहां क्या मौजूद है, इसके बारे में। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो जो लूनर ट्रेल ब्लेजर है, इसको लॉन्च करने का समय प्राथमिक पिलोट की लॉन्च तैयारी पर निर्भर करेगा, और जो इसके साथ प्राइम वन में मिशन है, ये भी छोटा में मिशन ही है, क्योंकि ये भी ऐसे ही बड़े मिशनों के साथ साथ में भेजा जाएगा। तो वर्ष 2024 के मध्य में लॉन्च होने वाला है, जो कि एक लूनर ट्रेल ब्लेजर राइड है। प्राइम वन चंद्रमा में क्या करेगा, ड्रिल करेगा, और यह उस प्रकार की ड्रिल का परीक्षण है जिसका उपयोग वाइपर द्वारा किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब मिशन है, मतलब उसके साथ छोटे छोटे सैटेलाइट को ही बड़े मिशन के साथ भेज दिया जाएगा, जो कि वाइपर के काम में वहां एक तरीके से आप समझे तो मदद ही करेंगे। क्लियर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा सभी के सभी लोग। आगे अगर हम बात करें इसमें तो एक अगला जो मिशन है वो है जाक्सा, जाक्सा का मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण मिशन है, जो कि ये जापान का है, ठीक है ना, जाक्सा MMX मिशन, जो कि मंगल ग्रह के चंद्रमाओं यानी उपग्रहों की खोज करेगा, ठीक है, मंगल ग्रह के जो उपग्रह है उनकी खोज के लिए जापान के द्वारा ये संचालित किया जाएगा 2024 में, जाक्सा MMX, जो कि चंद्रमा के दो उपग्रह हैं फोबोस और डेमोस, सॉरी मंगल के दो चंद्रमा है यानी उपग्रह है फोबोस और डेमोस, इसका नाम आपने सुना भी होगा, बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, ये दोनों जो है वो मंगल के उपग्रह है। और ये जो मिशन है जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या जाक्सा का मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन या MMX नामक ये भी क्या है, रोबोटिक में मिशन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट, जिसे सितंबर 2024 के आसपास लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा 2024 में होने वाले ये सब मिशन। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है मंगल के उपग्रहों की उत्पत्ति का निर्धारण करना, कि मंगल के उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में जांच करेगा जापान, क्योंकि इसलिए करेगा कि जो वैज्ञानिक है इस बात पे निश्चिंत नहीं है कि जो ये फोबोस और डेमोस है ये पूर्व क्षुद्र ग्रह है, ऐसा कहा जाता है
मंगल ग्रह के इन दोनों उपग्रहों के बारे में कि ये पहले से वहां पे मौजूद हैं, कि पहले से मौजूद क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस पे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है कि ये वहां पहले से मौजूद होंगे। तो इसी विषय पे ये जो मिशन है जांच करेगा, ठीक है, कि जो कि मंगल के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आकर्षित पिंडों से निर्मित हुए हैं या वे पहले से ही मंगल की कक्षा में मौजूद पिंडों से विकसित हुए हैं, पहले से ही विकसित है या मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण विकसित हुए हैं। तो इस बात पे भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं है, तो इसी की इसके तहत जांच होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। अंतरिक्ष यान जो है वो फोबोस और डेमोस का निरीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक संचालन करते हुए मंगल ग्रह के चारों ओर 3 वर्ष तक स्थित रहेगा, ठीक है, ये 3 वर्ष तक वहां पर रहेगा। उसके बाद एमएमएक्स फोबोस की सतह पर भी उतरेगा और पृथ्वी पर लौटने से पहले वहां का जो सैंपल है, नमूना है, वो भी एकत्र करेगा और पृथ्वी पर आएगा। तो ये सभी के सभी आपके लिए 2024 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आगे बात करें तो ईएसए का हेरा मिशन है, ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात हो रही है। ईएसए ईएसए भी एक मिशन चलाएगा जिसका नाम है हेरा 2024 में, और इसका डिडिमोस डिमॉर्फोस क्षुद्र ग्रह प्रणाली पर लौटने का एक मिशन है जिसका नाम नासा के डार्ट मिशन ने 2022 में दौरा किया था। नासा का डार्ट मिशन ऑलरेडी कर चुका है, तो यूरोपीय एजेंसी स्पेस एजेंसी का जो हेरा मिशन है इसे के लिए करेगा, जो कि डार्ट है इन क्षुद्र ग्रहों के पास से गुजरा नहीं था और इसने गतिज प्रभाव नामक ग्रह रक्षा तकनीक का परीक्षण करने के लिए उनमें से एक क्षुद्र ग्रह को नष्ट कर दे दिया था। जब डार्ट मिशन अंतरिक्ष में जा रहा था तो अपन आने वाले रास्ते से एक क्षुद्र ग्रह से टकरा करके उसे नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो डार्ट ने बलपूर्वक डिमॉर्फोस पर प्रहार किया और उसे अपनी कक्षा बदल दी। वहां पर एक जो क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है डिमॉर्फोस, क्षुद्र ग्रह डिडिमोस डिमॉर्फोस, इसी की जांच के लिए ईएसए का हेरा मिशन जाएगा जिसने अपनी कक्षा बदल दी है नासा ने जो डार्ट मिशन 2022 में लॉन्च किया था इसके टकराने की वजह से। ये सिंपल भाषा में आप समझिए, ठीक है, तो उसी के जांच के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी हेरा मिशन भेजेगी। अब ये जो तकनीक से गतिज प्रभाव तकनीक थी जो कि अपने पथ को बदलने के लिए किसी वस्तु को नष्ट कर देती है, एक्चुअली होता क्या है कि आप अक्सर देखते हैं ना कि अक्सर न्यूज में भी आता है अब कि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ा रहा है, पृथ्वी से टकराने की संभावना है, मीडिया वाले टीआरपी के चक्कर में और भी उसको बदल बदल के बातें करते हैं। तो ये बेसिकली आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से और क्या है, ठीक है ना, कि ये कोई भी अगर ग्रह पृथ्वी की ओर आने की संभावना लगती है तो ऐसे मतलब कोई भी क्षुद्र ग्रह तो ऐसे अपने सैटेलाइट के द्वारा उसको टक्कर करा के बेसिकली नष्ट कर दिया जाता है। तो यही होता है, वही है कि यह तब उपयोगी साबित होता है जब मानव को कभी भी पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर एक संभावित खतरनाक वस्तु मिलती है तब, ठीक है ना, उसे पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता होती है, इसी वजह से ऐसा हुआ था। और हेरा जो है वो अक्टूबर 2024 में ईएसए के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और 2026 के अंत में डिडिमोस और डिमॉर्फोस तक पहुंचेगा ये, ठीक है, इसको दो साल लगेगा। यह क्षुद्र ग्रहों के भौतिक गुणों का वहां पर जाकर के अध्ययन करेगा जो कि डार्ट मिशन के साथ टकरा करके उनकी ऐसी स्थिति हुई थी, ठीक है। नमस्कार अंजलि, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये तो आपने वैश्विक स्तर के मिशन को देख लिया, वहीं अगर हम इंडिया के मिशनों की बात करें और 2024 की बात करें तो इंडिया ने तो 1 जनवरी से ही आगाज कर दिया, पहले दिन से ही आपको पता है एक्सपोसैट के साथ पीएसएलवी C58 को लॉन्च किया और ये सफल भी हुआ। तो एक्सपोसैट भारत का पहला एक्सरे ध्रुवमापी ध्रुवण मापी उपग्रह है यानी पोलरीमीटर सैटेलाइट, जो कि जनवरी 2024 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च विक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। 1 तारीख को लॉन्च हो गया, सबको पता है, तो बस एक ध्यान में रखेंगे एक्सपोसैट, आपको पता है ब्लैक होल और जितने भी आपके डेड स्टार्स हैं या न्यूट्रॉन स्टार्स हैं इन सब के बारे में ये जांच करने के लिए अंतरिक्ष में गया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपोसैट हो गया इंडिया का। उसके बाद अगर जो अगला इंपॉर्टेंट 2024 में इंडिया की बात करें तो अगला एक मिशन है जिसका नाम है निसार। इसका नाम निसार इसलिए है कि ये नासा और इसरो दोनों के संयुक्त पहल के साथ किया जाएगा, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर इसका नाम निसार रखा गया है। ये सिंथेटिक एपर्चर रडार है
इसरो नासा और इसरो के बीच एक सहयोगी भी मिशन है निनिसा, जो एक द्विक आकृति सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है, ठीक है, जिसे रिमोट सेंसिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ये दोनों मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र, हिम द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, प्राकृतिक खतरों सहित विभिन्न पृथ्वी की प्रणालियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। एक एपर्चर रडार सैटेलाइट है जो इन दोनों के द्वारा है, जो वहां जाकर के पृथ्वी में होने वाली गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा नासा और इसरो का निशान। इंडिया का जो और है वह गगनयान वन मिशन, जो 2024 में लॉन्च होगा। ये इसका क्या है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कदम है गगनयान वन। इसके द्वारा मानव अंतरिक्ष में भारत के दो द्वारा भेजे जाएंगे। चालक दल के 3 सदस्यों वाली यह परीक्षण उड़ान होगी मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। इसरो तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो गगनयान वन किसके किसके बीच? इसरो और हॉल के बीच, ठीक है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इन दोनों के बीच से सहयोग है मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान वन 2024 में होगा। इसके बाद बात करें तो मंगलयान टू मॉम टू मिशन भारत का 2024 में लॉन्च होगा। और यह जो है कि मंगल की कक्षाओं के लिए बेसिकली है मार्स ऑर्बिटर मिशन है मॉम टू, जो कि इसरो के सफल मंगल मिशन की महत्वाकांक्षी, इसरो का जो मंगल मिशन सफल हुआ उसका नेक्स्ट वर्जन मंगल यान टू यानी मॉम टू। मंगल की सतह, वायुमंडल तथा जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से एमओएम यानी मॉम टू को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के तहत जो मंगल का ऑर्बिटर है अंतरिक्ष यान को हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, मैग्नोमीटर, रडार सहित उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस करके वहां भेजा जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और जो मॉम है वो ग्रहों की खोज में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है, तो ये मॉम टू इसलिए है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो एक और इसरो का मिशन भारत के द्वारा शुक्रयान वन, जो कि वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत इसरो ने शुक्रयान वन लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो 5 वर्ष के लिए शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला अंतरिक्षयान है, जो आने वाले 5 वर्षों तक शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य है शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना, जो सूर्य के समीप स्थित ग्रह के रहस्यों की खोज में भारत का पहला प्रयास है, ये शुक्रयान वन। क्लियर,